नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि भगवान श्री राम के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में मंगलमय स्थिति में होंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब आपके जीवन काल में बहुत ही अच्छा नया बदलाव आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप इनके बारे में कभी भी सोचे भी नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों आप सभी को बता दें कि जिस घड़ी का आपको बहुत ही दिनों से इंतजार था, आखिर दोस्तों वो समय आपके जीवन काल में आ ही गया है। जी हाँ दोस्तों, जो खुशियों की चाह आप पिछले समय अपने जीवन काल में रख रहे थे, दोस्तों वो खुशियाँ अब आपको मिलने वाली है। और दोस्तों पूरा घर अब आपका खुशियों से जगमग करेगा। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें कि आज का यह वीडियो पूरी तरह से ग्रहों के गोचर पर निर्मित है, ग्रहों के चाल पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, अंतरिक्ष में होने वाली ग्रहों की चाल में बहुत ही अनोखा परिवर्तन हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हम आप सभी से बस यही अनुरोध करेंगे कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों हम जानते हैं कि आपके जीवन काल में बहुत सारी समस्याएं एक साथ आ गई है। पेशों की समस्याएं हैं, घर में गृह क्लेश हैं, और भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं जो कि आप किसी को बता भी नहीं सकते, बताने में आपको बहुत ही ज़्यादा खराब लगता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों वो कहते हैं कि वक्त एक दिन शब का आता है, समय एक दिन शब का आता है, और जो व्यक्ति समय के साथ आगे बढ़ जाता है वह व्यक्ति कभी भी पीछे नहीं हटता, वह हमेशा जीवन काल में आगे बढ़ते रहता है। जी हाँ दोस्तों, और समय वक्त ग्रहों की चाल ने अब आपकी किस्मत को पकड़ लिया है। और दोस्तों अब आपको भी समय के साथ चलना होगा, समय के साथ आपको संभलना होगा, समय के साथ कार्य को करना होगा। और दोस्तों हम आपको दावे के साथ कहते हैं कि दोबारा वो दुख के दिन आपके जीवन काल में नहीं आने वाले। जी हाँ दोस्तों, अब खुशियाँ ही खुशियाँ आपके जीवन काल में रहने वाले हैं। क्यों दोस्तों, आपको बता दें कि अंतरिक्ष में ग्रहों की जो स्थिति बनी है, ग्रहों की जो चाल बने हैं, दोस्तों उनमें सीधा सीधा यह दिखाई दे रहा है कि अब आपका भाग्य चमकने वाला है। अब आपके घर के माहौल में, पार्वजन में, प्रत्येक क्षेत्र में नई शुरुआत होने वाली है, नई चीज़ों को आप देख पाएंगे, नए कार्यों को आप कर पाएंगे। और दोस्तों ऐसा स्थिति सभी के जीवन काल में नहीं होते हैं, जो बड़े ही किस्मत वाले होते हैं, जो बड़े ही नशीब वाले होते हैं, दोस्तों उन्हीं के जीवन काल में ऐसे ग्रहों की स्थिति बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप शिव को बता दें कि पिछले समय में आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, दोस्तों उन्हीं का फल अब भगवान श्री राम आपको देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अब आपके जीवन काल से पेशों की सारी समस्याएं जड़ से खत्म होने वाले हैं, पेशों से पूरा घर भर जाएगा। बशर्ते आपको जो बात हम आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो चीज़ हम आपको बताने वाले हैं, दोस्तों आप इन्हें ध्यान से सुनिएगा और दोस्तों सावधान हो जाइए, यह बात किसी को भी आपको कानों कान खबर नहीं होने देना है। जी हाँ दोस्तों, चुपचाप अकेले में शांत होकर ही आप इन बातों को सुने। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों यह बात अगर कोई व्यक्ति सुन लेता है तो दोस्तों यहाँ से भी आपकी बुरे वक्त की शुरुआत होती है। जी हाँ दोस्तों, आप यह बात जानते हैं कि जब भी कोई अच्छा समय आपको मिलता है और वह बात आप किसी को बता देते हैं, तो दोस्तों कोई न कोई परेशानी, कोई न कोई संकट आपके जीवन काल में अवश्य आती है, जिनसे आपको परेशानी तो होती ही है, साथ ही आने वाले जो कार्य है उनमें भी आपका मन नहीं लगता है। तो दोस्तों हम आपको सावधान करना चाहेंगे आज के इस वीडियो को आप ध्यान से अंत तक देख लीजिएगा। दोस्तों आप सभी का जीवन संवर जाएगा, इस बात की गारंटी है। और दोस्तों जो भी व्यक्ति इस वीडियो को मिस करेगा वो बहुत ज़्यादा अफसोस करेगा, बहुत ज़्यादा पछतावा करेगा। परंतु दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि वक्त अभी भी आपका है, वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो भी भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों भगवान श्री राम का शुभ आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा, जीवन काल के सारे कष्ट धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब आपका दिन और समय अच्छा आने वाला है। ऐसा हो सकता है कि आप छोटी सी बात के बारे में सोच सोच कर परेशान हो, ऐसा सोचना प्राकृतिक है, लेकिन इससे आपके घर और कार्यस्थल की शांति और कार्य की गति प्रभावित होगी। यह समय सबसे बड़े लक्ष्यों को सोचकर छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करने का है। जी हाँ दोस्तों, हर छोटी बातों को अगर आप दिल पर लगाएंगे तो वह बड़े कार्यों में भी अड़चने ला सकता है।
जी हाँ दोस्तों, इसलिए सोच विचार करें, जो भी बात आपके दिमाग में ना उतरे उन्हें आप रहने दें। साथ ही आपको बता दें कि आप आज थोड़ा सा निराश अनुभव करेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि कोई आपको प्यार नहीं करता। किसी करीबी की एक झप्पी आपके लिए कमाल कर सकती है, इसे शारीरिक आकर्षण समझकर भूल ना करें। अगर आप पर कोई प्यार बरसाएगा तो आप थोड़े भावनात्मक भी हो जाएंगे, इसका अफसोस न करें। खुद से सवाल किए बिना अपने दिल को हल्का होने दें। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन आपके लिए बहुत खास रहेगा, क्योंकि आप जिंदगी में पहली बार प्यार को आध्यात्मिकता के साथ जोड़ कर देख पाएंगे। जो आपस में बहुत ही प्यार करते हैं, वे अपने संबंध को किसी परंपरागत तरीके से कोई समारोह करके अगले स्तर तक ले जाना चाहेंगे। अगर आपके परिवार को कोई परेशानी है तो आप सही समय का इंतजार कर सकते हैं। आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप इन बातों में लिप्त न हो, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। लोग इसे एक अपराध के रूप में लेंगे और हमेशा के लिए आप अपना विश्वास खो सकते हैं, जो इतने सालों से अपने अपने लिए बनाया है। इसलिए इस तरह के कृत्य से दूर रहें और बस आप अपने हर कार्य में ईमानदारी का प्रदर्शन करें। दोस्तों, आपको बता दें कि अपने दफ्तर से जल्दी निकलने की कोशिश करें और वे काम करें जिन्हें आप वाकई पसंद करते हैं। आप खुद को नए रोमांचक हालात में पाएंगे, जो आपको आर्थिक फायदा पहुंचाएंगे। आपको अपना बाकी वक्त बच्चों के संग गुजारना चाहिए, चाहे इसके लिए आपको कुछ खास ही क्यों ना करना पड़े। प्यार के मामले में आज आप गलत समझे जा सकते हैं। मानसिक अस्पष्टता आपको व्यवसाय में प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त दिलाएगी। आप सारी पुरानी दुविधाएं खत्म करने में भी सफल रहेंगे। अपने जरूरी कामों को निपटाकर आज आप अपने लिए तो अवश्य निकालेंगे, लेकिन इस समय का उपयोग आप अपने हिसाब से नहीं कर पाएंगे। आपके लिए यह खूबसूरत रोमानी दिन रहेगा, लेकिन दिन सेहत के लिए थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, सेहत को लेकर यश में आप बिल्कुल ही लापरवाह ना रहें। इसके उपरांत दोस्तों, यश में भूमि अथवा परिवार संबंधी किसी विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें, अन्यथा विवाद बढ़ सकता है। आपको अपने मेहनत के अनुकूल परिणाम नहीं मिलेंगे, परंतु दोस्तों भविष्य में आपकी मेहनत अवश्य ही रंग लाएगी। तो दोस्तों, यश में आपको धैर्य का दामन थामते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि दोस्तों आगे आपका सफलता आपकी इंतजार कर रही है। उसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों सीमित विचारों से बाहर निकल कर दुनिया की तरफ देखने की आपको आवश्यकता होगी। दायरे में रहने की वजह से आपके अंदर नकारात्मकता तो बन रही है, लेकिन दोस्तों आप अपनी क्षमता का पूरी तरह से इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, यशमी परिवार के किसी व्यक्ति के प्रति बनी नाराजगी को दूर करने के लिए व्यक्ति का नजरिया समझने की यशमी आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों, यशमी आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि दिन पारिवारिक तथा आर्थिक दोनों दृष्टि में शुभ फलदायी साबित होगा। यशमी आपको रचनात्मक कार्यों में व्यस्तता रहेगी, व्यक्तिगत कार्यों में बेहतरीन समय व्यतीत होने की वजह से मानसिक शांति भी आप अनुभव करेंगे। बच्चों तथा युवा वर्ग का जो है अपनी पढ़ाई व फिर करियर की तरफ पूरा ध्यान केंद्रित रहेगा। इसके साथ दोस्तों, यश में अपने विचारों को प्राथमिकता दें। कभी कभी आप दूसरों की बातों में आकर अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, तो दोस्तों आपको इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही यश में ग्रह स्थिति आपके लिए कुछ ऐसे ही है, इसलिए दोस्तों स्वयं पर भरोसा रखना इसमें आपको सीखना होगा। कभी कभी वाणी में कटुता की वजह से संबंधों में दरार आ सकती है, तो इस बात पर भी गौर करें। इसके उपरांत दोस्तों, यश में काम से संबंधित बातों में आपका उत्साह कम दिखने की वजह से आपको दी हुई जिम्मेदारी फिर से वापस ली जा सकती है, और साथ ही आपको परिवार और अपने काम के प्रति अधिक जागरूकता दिखाने की भी आवश्यकता होगी। केले की पेड़ की पूजा करने से प्रेम संबंध मजबूत बनते हैं। आज के दिन आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी सुनहरा, और शुभ अंक रहेगा 1। आपका बुरी दिशा रहेगा पश्चिम। दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।